दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंकिंग के विषय में कि आप आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर घर बैठे कैसे लिंक कर सकते हैं। यूआईडी ने डायरेक्ट घर बैठे मोबाइल नंबर लिंक करने का ऑप्शन दे दिया है। क्या है पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसानी से आपको आधार सेंटर नहीं जाना, आप मोबाइल नंबर भी लिंक करा सकते हैं, फोटो भी अपडेट करा सकते हैं, फिंगर भी अपडेट करा सकते हैं, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है और आप घर बैठे आधार कार्ड में चेंज सुधार करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट यूआईडी ने ही जारी कर दिया है, सरकार ने ही जारी कर दिया है। तो इसका पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा कैसे आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, फोटो अपडेट कर सकते हैं वगैरह घर बैठे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मार्ट हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूआईडी ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउजर पर। इसके बाद यूआईडी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और आपको यहाँ पर पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें जो भी करना चाहे। आपके सामने यहाँ एक पॉपअप आएगा, आप इसे कट करिएगा और इसके बाद आप नीचे आइएगा। यहाँ पर देखिए गेट आधार के ऑप्शन पर बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो आप घबराए नहीं, आप सोच रहे होंगे बहुत ही पुराना मेथड है कि बुक एंड अपॉइंटमेंट करके आप आधार सेंटर जाना होगा तब, बट मैं वो मेथड नहीं बताने वाला हूँ। आप सिर्फ बने रहे, पूरा वीडियो देखें, आपका घर बैठे ही सारी चीजें होंगी, आपको आधार सेंटर नहीं जाना होगा। सिर्फ आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले बुक एंड अपॉइंटमेंट एट यूआईडी रन आधार सेवा केंद्र, इस पर आपको अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी नजदीक सिटी पड़ रही हो। देखिए क्या होता है, जैसे बात करें आप कानपुर के आसपास रहते हैं तो आप कानपुर सिलेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करिएगा। अभी धैर्य रखें, आपको आधार सेंटर नहीं जाना होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। सिर्फ आप वीडियो पूरा देखें, आपको घर पर ही सारे काम होने वाले हैं। आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। देखिए आप आधार सेंटर जाना चाहते हैं तो ये फॉर्म भरेंगे, लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि घर बैठे कैसे करेंगे, घर पर कैसे चेंज करेंगे। तो आधार कार्ड ने एक नई सर्विस स्टार्ट की है यूआईडी ने, सॉरी आधार स्पेशल सर्विस स्कैन। इसमें क्या है दोस्तों, घर पर ही आकर बंदा आपके, और वो भी कोई अन्य व्यक्ति नहीं, यूआईडी का ऑफिसर, आधार कार्ड के जो अधिकारी हैं वो आकर आपका सही करेंगे। इसलिए देखिए यहाँ पर एक अपडेट चल रहा है, यूआईडी हैज इंट्रोड्यूस स्पेशल सर्विसेज वेयर रेसिडेंट कैन इनरोल और अपडेट आधार एट देयर रिक्वेस्टेड लोकेशन। जहां पर आप रिक्वेस्ट डालेंगे जैसे लोकेशन की, उस लोकेशन पर ही आके आपका सबको सही किया जाएगा। टू अवेल दिस सर्विस फॉर न्यू एनरोलमेंट और आधार अपडेट और मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट यू मे बुक अपॉइंटमेंट हियर। आपको एक डेट सिलेक्ट कर लेनी होगी, आपके घर पर ही अधिकारी आएगा यूआईडी का, वो ही आपका सब कुछ करेगा। देखिए कैंप रिक्वायरमेंट, अवेल लिट स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, टेबल चेयर। अब देखिएगा यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी है कि जब भी अधिकारी आएगा तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, आपके पास बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए वगैरह, फोटो खींचने के लिए अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आसानी से कहीं पर भी मिल जाती है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने रिक्वायरमेंट अपनी बता दी है कि ऑफिसर आएगा तो उसके बैठने की व्यवस्था, उसको बिजली की व्यवस्था वगैरह सब कुछ आपको देनी होगी घर पर ही जहां पर वो बैठेगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, दिस पोर्टल इज फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट एट एन आधार सेवा केंद्र फॉर ए न्यू आधार एनरोलमेंट, आधार अपडेट एंड आधार मिसेलेनियस आधार सर्विसेज, रेसिडेंट्स कैन विजिट दिस डायग्नोस्टिक यूडीआई ऑपरेटर केडर्स। तो आप देख सकते हैं। तो अब आप क्या कराना चाहते हैं, आधार कैंप पे आकर यहाँ पर क्या आप कराना चाहते हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों ये पोर्टल ओपन है, अब आपको आधार स्पेशल सर्विसेज कैंप पर क्लिक कर सकते हैं, आप ये सारे काम उनसे करा सकते हैं। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू सर्विस, मैनेज सर्विस, तो न्यू सर्विस पर ही आपको रहने देना है। अपना पिन कोड डालना है, पहले चेक करना है कि आपका जो पिन कोड है वहां तक अधिकारी आ सकते हैं नहीं आ सकते। तो अपना पिन कोड डालने के बाद चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है। आधार स्पेशल सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया ऑफ पिन, ये पिन यहाँ वैलिड नहीं है। आप कोई नजदीकी का पिन डाल सकते हैं। तो जैसे आप पिन अपना यहाँ पर पिन कोड डालेंगे तो अगर आपके इस एरिया में सर्विस अवेलेबल है तो यहाँ पर ये दिखाएगा, अन्यथा यहाँ पर दिखाएगा नो सर्विस अवेलेबल, क्योंकि ये अभी नई सर्विस स्टार्ट हुई है, जल्दी हर जगह ये स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ इंतजार करना होगा। तो इस पिन कोड पर ये सर्विस स्टार्ट है तो आपको आधार कैंप पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक करती है आपका एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर एक कैप्चा डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जो भी ओटीपी आया है वो डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा।
जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपको देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर आधार कैंप, डाटा स्लॉट डिटेल और कैंप रजिस्ट्रेशन डिटेल, तीन फॉर्मेट में डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले अपना कंपनी है रिक्वेस्ट बाई किस कंपनी है आप, कोई अगर पब्लिक सेक्टर की कंपनी वगैरह है या आप अदर हैं जो भी है वो आप भर सकते हैं, आप अदर डालिएगा। और यहाँ पर डाल सकते हैं बाई ग्रुप, इसका बिल्डिंग का नंबर जहां पर आप बुलवाना चाहते हैं अधिकारी को उसका पूरा यहाँ पर एड्रेस डालना है, जैसे बिल्डिंग नंबर, विलेज क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, बिल्डिंग नंबर, ये सारा भरना होगा। नंबर किस व्यक्ति से आकर वो कॉन्टेक्ट करें वो यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके बाद ट्रांजेक्शन डिटेल, मिनिमम 20 ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर टू बुक दिस कैंप। अब देखिएगा यहाँ पर कम से कम 20 लोग का डेटा अपडेट हो तभी अधिकारी आएगा। देखो जाहिर सी बात है कोई एक व्यक्ति के लिए तो अधिकारी नहीं आने वाला है ना, तो आपको कम से कम 20 लोगों को पहले इकट्ठा करना होगा, उनका डिटेल यहाँ डालना होगा। जैसे कि न्यू इनरोलमेंट, कितने लोग न्यू इनरोलमेंट कराना चाहते हैं, मान लो 20 में से 5 लोग नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, कितने लोग अपडेट करवाना चाहते हैं, मान लो 20 में 5 लोग अपडेट कराना चाहते हैं, कितने बायोमेट्रिक अपडेट कराना चाहते हैं, कितने डेमोग्राफिक डेटा प्लस बायोमेट्रिक दोनों चीजें अपडेट कराना चाहते हैं, तो ये आपको 20 लोगों को पहले इकट्ठा करना है, तब वो अधिकारी आएगा, उन सभी से डिटेल पूछ ली कि आपको क्या कराना क्या कराना, उसी के आधार पर यहाँ पर पूरा पेमेंट भी बनता जाता है। जैसे अगर आप देखिएगा सपोज दैट 5 लोगों को मैं न्यू एनरोलमेंट में भर देता हूँ, 5 लोगों को अपडेट में भर देता हूँ और 5 लोगों को बायोमेट्रिक डिटेल में भर देता हूँ, तो ये जो डिटेल बनेगा उसी के अकॉर्डिंगली 15 लोग अभी टोटल होगी, 5 बाकी हैं, तो 5 को मैं और दोनों में भर देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग फीस जनरेट हो जाती है। कितनी फीस लगेगी, इस फीस को आपको पे करना होता है तभी वो व्यक्ति आते हैं, पहले आपको एनरोलमेंट अपडेट करना होगा, पे करना होगा, तब व्यक्ति आएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको डेट स्लॉट बुक करना होगा, किस डेट में बुलाना चाहते हैं, किस टाइम पर बुलाना चाहते हैं वो भरना होगा। इसके बाद कैंप रजिस्ट्रेशन डिटेल भरनी होगी और आपको पेमेंट कर देना होगा। इसके बाद जिस डेट में आपने उस व्यक्ति को बुलाया है वो आएगा और आपके जितने भी व्यक्ति की डिटेल भरनी है 20 लोगों का, सभी का काम करेगा और वापस चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही अपडेट था, आप यहाँ मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं, कुछ भी अपडेट करा सकते हैं। तो सरकार ने एक नई सर्विस स्टार्ट की, बहुत ही बेहतरीन है, अभी ज्यादातर जगह पे स्टार्ट नहीं हुई लेकिन धीरे धीरे करके सभी जगह स्टार्ट हो जाएगी और आप 10 से 20 लोगों को इकट्ठा करके आसानी से अधिकारी को बुला करके घर बैठे ही सारे काम करा सकते हैं। तो अपडेट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप स्टडी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, आप पढ़ाई करते हैं तैयारी करते हैं, तो आप GBS स्टडी नाम के एक चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी डाउट्स जो भी हैं क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर सकते हैं, अपना भी तैयारी कर सकते हैं। तो GBS स्टडी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।